हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपकी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट्स रिटेल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो जैसे कि आपको पता है, काफी टाइम से आपका रीट का एग्जाम हुआ नहीं है और 2 अगस्त को एग्जाम कनेक्ट करवाने की बात की जा रही थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आपका वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कितना एक्सटेंड कर दिया गया, और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक कंफ्यूजन और है, क्योंकि एक अनाउंस और हुई थी कि आपका जो सिलेबस है, रीट का जो सिलेबस है एग्जाम का, वो चेंज होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि एग्जाम फाइनली क्या डिसाइड की गई है और सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभी की आपकी लेटेस्ट न्यूज है जो गवर्नमेंट के थ्रू आई है आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स, 2020 का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रीट 2020 को लेकर 15 अप्रैल 2020 को एक बड़ी खबर आई है। इसमें शिक्षा मंत्री डोटासरा का कहना है कि रीट भर्ती 2020 अब 2 अगस्त की बजाय 2 सितंबर को आयोजित होगी। इससे पहले ये भर्ती 2 अगस्त 2020 को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इस भर्ती को आगे करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आपकी एक चीज क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम आपका 2 अगस्त को होना था, अब 2 अगस्त ना होकर आपका 1 मंथ और लेट कर दिया गया कि आपका एग्जाम 2 सितंबर को कनेक्ट करवाया जाएगा। तो काफी स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में थे कि अभी कोरोना की वजह से हो सकता है 5 to 6 मंथ का आपका एक्सटेंड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ओनली 1 मंथ का है आपका। ठीक है, अब देखिए, रीट 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डेट एंड नोटिफिकेशन रिलीज डेट। अब रीट भर्ती 2020 के नोटिफिकेशन को जारी करने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। शिक्षा विभाग इसके लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रीट भर्ती 2020 के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, रीट भर्ती पुराने पैटर्न के आधार पर ही आयोजन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड आपका क्लियर हो गया कि रीट का जो सिलेबस है वो चेंज होना था, तो वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपका रीट का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा, जो आपका पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं के बेसिस पर ये आपका एग्जाम कनेक्ट करवाया जाएगा। आगे आपका रीट भर्ती 2020 लेवल 1 और लेवल 2 का जो आपका एग्जाम होना है, प्रदेश भर में लाखों अभ्यर्थी रीट 2020 का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रीट 2020 के सिलेबस को लेकर प्रदेश भर में युवाओं में असमंजस में है। अभ्यर्थी इस असमंजस में है कि रीट 2020 आयोजन को भी आगे कर दिया गया है। अब रीट भर्ती 2 अगस्त के स्थान पर 2 सितंबर को आयोजित होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि रीट 2020 का आयोजन 2 अगस्त 2020 को होगा, लेकिन अब इस भर्ती में और टाइम लगेगा और भर्ती 2 सितंबर 2020 को होगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग के कुल 68,000 पद खाली है। अब रीट का जो नोटिफिकेशन है वो देखिए, राजस्थान में लाखों युवा बीएड और बीएसटीसी धारी है, जो 2018 से रीट भर्ती 2020 का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में पिछली रीट का आयोजन अक्टूबर 2017 को किया गया था और इसके बाद 11 फरवरी 2018 को इसके एग्जाम हुए थे। इसके बाद से अभी तक रीट के एग्जाम नहीं हुए है। रीट का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करवाता है। नियमों के अनुसार रीट का आयोजन हर साल करवाने का प्रावधान है, लेकिन रीट भर्ती का आयोजन 2011 से लेकर 2020 तक कुल 5 बार ही हुआ है, जो कि 2011 में कंडक्ट हुआ था, फिर 12 में, 13 में, 15 में और 17 में। ठीक है, 17 के बाद आपका नहीं हुआ है। तो जो रीट एग्जाम है वो कब होने की संभावना है, रीट भर्ती 2015 और 17 में ग्रेजुएशन के अंकों के समावेशन होने के कारण हजारों पात्र अभ्यर्थी रोजगार से वंचित हो गए थे, जो कि उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस बार अभ्यर्थी चाहते हैं कि रीट भर्ती में ग्रेजुएशन के अंक न जोड़कर सिर्फ रीट के अंकों के आधार पर ही नियुक्ति दी जाए, जिससे पात्र अभ्यर्थी वंचित
रहस के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीट की लेटेस्ट न्यूज़। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम आपका ओनली 1 मंथ ही एक्सटेंड हुआ है, और सिलेबस जो आपका पहले सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है तो मैं अपने चैनल के ऊपर जरूर डालूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो इसका सिलेबस होगा, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लेवल 1 और 2 के सिलेबस में कंफ्यूज होंगे, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपके लेवल 1 और लेवल 2 का पूरा जो सिलेबस रहेगा उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।